एक ऐसा सवाल है जो बहुत से एस्पिरेंट पिछले बहुत से टाइम से मुझसे पूछते आ रहे हैं, लेकिन उसका जवाब मैंने क्लियरली किसी को दिया नहीं था, और ये वीडियो उसी बारे में है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो एंड तक देखें और आपको एक बहुत ही शायद बहुत अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा जिस तरह से आप अपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को देखते हैं उसको लेके। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि जब प्लान करते हैं किसी एग्जाम को देना तो वो बहुत जोश में स्टार्ट करते हैं तैयारी और काफी बढ़िया प्लान बना लेते हैं, बट कुछ दिन के बाद हवा फुस हो जाती है। 3-4 दिन 5 दिन ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता, उससे ज्यादा वो उनका प्लान चलता नहीं है। अगले हफ्ते फिर से वो आराम से अपने बेड पे सो रहे होते हैं, और इवन इफ वो स्टार्ट कर दें अच्छे से तैयारी करना, कुछ महीने के बाद उनकी फिर से स्थिति पहले जैसी हो जाती है और फिर उन्हें लगता है कि मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। कंपटीशन इतना है कि वो रेस्ट नहीं कर सकते, वो ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि मैं 1 महीना रेस्ट करता हूँ फिर से तैयारी करूंगा। अगर ये अप्रोच लगाएंगे तो ऑब्वियसली एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कंटिन्यू प्रिपरेशन रखनी है, ये सबको पता है, लेकिन जब मोटिवेशन नहीं मिलता लोगों को प्रिपरेशन के बीच में, तो उस वक्त कैसे अपने आप को हैंडल किया जाए। और जो ये क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है कि कैसे मोटिवेटेड रहे, इसका सही जवाब क्या है, ये इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको एक शायद नई चीज सीखने और समझने के लिए मिलेगी जो कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने वाला हूं। देखो, जब भी आपको ऐसा लगे प्रिपेरेशन कर रहे हैं किसी एग्जाम की और ऐसा लगे आपको कि मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा, तो कुछ जनरल चीजें जो कि आपको सबने बताई होंगी, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ो, थिंक अबाउट द एंड रिजल्ट, आखिरी रिजल्ट जो आपको मिलेगा उससे क्या क्या फायदे हैं उस बारे में सोचो, ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो एज एन एडल्ट आप भी खुद सोच सकते हो, राइट। तो उन चीजों के बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपको कुछ अलग चीजें बताने वाला हूँ जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू ऑल दीज टिप्स। देखिए, जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप मोटिवेटेड नहीं है एग्जाम के लिए, या आपका पढ़ने का या मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है, आप अपने पेरेंट्स को देखिए, आप अपने या इन जनरल किसी के भी पेरेंट्स को देखिए और देखिए कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी सिंसेरिटी से, कितने डिसिप्लिन से कर रहे हैं। आपके घर में कोई एक पेरेंट होगा जो घर के काम देखता होगा, कोई एक पेरेंट बाहर के काम देखता होगा, जनरली जैसे कि आपके पिताजी बाहर के काम देख रहे हैं और माँ घर पे घर के काम देख रही है सब, तो आप देखिए वो पिछले 25-30 सालों से, फॉर एग्जाम्पल अगर वो घर के काम देख रही हैं तो खाना बना रही हैं, कपड़े ठीक कर रही हैं, छोटे छोटे घर के जितने भी काम होते हैं वो सब कर रही हैं, वही काम डेली एक ही काम पिछले 25-30 सालों से कर रही हैं, बिना ये बोले कि यार आज मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा है। ऐसा आपने कभी भी सुना है अपने पेरेंट्स के मुंह से, अपने मदर या फादर के मुंह से कि आज खाना बनाने के लिए मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा? हो सकता है साल में 1-2 बार 4 बार, बट इन जनरल ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपके पिताजी अगर बाहर ऑफिस जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा कभी होता है कि वो बोलें कि मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा, कोई बात नहीं सैलरी ना आए तो चक चलता है, ऐसा कभी भी आपने सुना है उनके मुंह से? नहीं। जबकि आप सोचो कि वो 25-30 सालों से एक ही काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डेली कर रहे हैं, और वो ये कंप्लेन नहीं कर रहे हैं कि मुझे मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा, ठीक है। आपका क्या काम है अब उनसे कंपेयर करो, जो वो काम कर रहे हैं आप अपने काम को उससे कंपेयर करो। आपका काम क्या है? 6 महीने 1 साल 1.5 साल 2 साल के लिए आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़नी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, करेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, नई नई चीजें डेली सीखने को मिल रही हैं आपको, करेक्ट। आप उनकी इंप्लीकेशंस देख पा रहे हो बहुत सारे जगह रियल लाइफ में, ऐसी चीजें आपको सीखनी है इंटरेस्टिंग 6 महीने 1 साल 1.5 साल 2 साल, उसमें भी आप कंप्लेन कर रहे हो कि यार मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा। अब आप कंपेयर करो खुद को अपने पेरेंट्स से और देखो कि आपको कितना कुछ सीखना बाकी है उनसे, सच बात है कि नहीं? चलिए, पेरेंट्स का एक एग्जाम्पल रहा, मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ आपको। सब्जी वाला हो गया जो सफाई के लिए आते हैं, जो कचरा लेने के लिए आते हैं या मिल्क देने आते हैं, जो भी लोग हैं उनको देखो आप, वो कितने रेगुलर हैं, कितने डिसिप्लिन हैं। क्या कभी वो ऐसे बोलते हैं कि मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा? आप खुद सोचो, क्या वो ऐसा सोचते होंगे कि आज मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा है मेरे को काम पे जाने के लिए? कैसा भी मौसम हो, सर्दी गर्मी बारिश, वो आपको बराबर अपनी जगह पे दिखेंगे, चाय बनाने वाला, सब्जी देने वाला, ये सारे लोग, राइट।
वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, वो लगातार सालों से ये काम कर रहे हैं, उस काम का उनको उतना रिटर्न भी नहीं मिल रहा है जितना कि आपको उस एग्जाम का रिटर्न मिलने वाला है, बट वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप उनसे भी गए भी थे हो कि आपको एक ऐसा एग्जाम देना है जिसका इतना अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है, उसके आउटकम इतने बढ़िया हो सकते हैं, आपके लाइफ चेंज कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको मोटिवेशन चाहिए। तो जब भी आप घर पे बात करो तो ये चीज को सोचो, अपने पेरेंट्स से बात करो तो ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखो। अभी शायद उतने मैच्योर नहीं हुए होगे अगर आप, तो ये चीज आपको आज से 2 साल 4 साल 5 साल बाद समझ में आएगी, बट हमेशा इस चीज को माइंड में रखो कि पेरेंट्स कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके और कितने सिंसियरली इतने सालों से कर रहे हैं। आपका काम कुछ भी नहीं है, आपकी मेहनत कुछ भी नहीं है उनकी मेहनत के सामने। तो आप जिनसे डेली बात कर रहे हो उनसे मोटिवेटेड तो हो ही सकते हो ना, जो रास्ते में जा रहे हो और बहुत तमाम तरीके के लोगों को देख रहे हो, सब्जी बेच रहे हैं, आयरन कर रहे हैं और फल बेच रहे हैं और जो भी छोटे काम कर रहे हैं, छोटे काम एज इन जो आपको देखने में ऐसे लग रहे हैं छोटे काम है, बट वो देखो कितने डिसिप्लिन्ड है और कितने रेगुलरली काम कर रहे हैं। क्या आप उनसे भी गई पीते हो, उनसे मोटिवेट हो ना, ऐसे लोगों से मोटिवेट हो। ऐसे ऐसे लोग हैं, आप कहीं घूमने जाते हो गए, इंडिया गेट पे घूमने गए, कहीं घूमने गए, वहां पे आपको इतने सारे लोग दिखेंगे कुछ भी बेच रहे हैं, गुब्बारा बेच रहे हैं और छोटी छोटी चीजें बेच रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो चीज आज कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, या आप उसको देख के हंस दोगे या उसका मजाक बना के आगे बढ़ जाओगे, फिर भी वो डेली आ रहा है उसको काम को करने के लिए। वो कितना सेल्फ ड्रिवन है, कितना डिसिप्लिन है, आप उससे भी गए बीते हो क्या? आपके काम का रिटर्न और उसके काम का रिटर्न कोई कंपेरिजन ही नहीं है, फिर भी आप डिमोटिवेटेड फील करते हो, तो आप कंपेयर करो ऐसे में कि आपको क्या करना है, कितनी मेहनत और उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, उसको अपने पेरेंट्स से और ऐसे नॉर्मल लोगों से आप कंपेयर करो। आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो कर रहे हो वो कुछ भी नहीं है, वो बहुत छोटा सा पार्ट है लाइफ का, किसी एक एग्जाम की तैयारी करना, मेहनत करके 1-1.5 साल और उसको क्रैक करना। लेकिन फिर भी मैं इस बात को समझता हूँ कि प्रिपरेशन के दौरान बीच बीच में कभी ऐसे हो सकता है कि मन नहीं करता और लगता है कि रेस्ट किया जाए, कभी कभी चलता है, बट अगर आपको ऐसा है कि फ्रीक्वेंटली हर हफ्ते हर 10 दिन में ऐसा लग रहा है, तो एक चीज मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं कि मोटिवेशन से गाड़ी नहीं चलती है धक्का मार मार के, गाड़ी चलती है सेल्फ डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। जब भी वर्ड डिसिप्लिन आप सुनोगे जनरली आपको नेगेटिव मतलब माइंड में आएगा, और ऐसा सोचना गलत नहीं है, आपकी गलती नहीं है, हमारा स्कूलिंग सिस्टम ऐसा है कि हमें डिसिप्लिन का एक नेगेटिव मतलब घुसा दिया गया हमारे माइंड में। डिसिप्लिन मतलब नाखून काटो, बाल छोटे रखो, यूनिफॉर्म में आओ, क्लास में चुपचाप बैठे रहो, मस्ती मत करो, तो ये डिसिप्लिन हो गया। जनरली स्कूल में यही सुना होगा आपने, जो मस्ती करेगा जिसके बाल बड़े होंगे वो कहेंगे डिसिप्लिन नहीं है। तो इन जनरल ये डिसिप्लिन वर्ड का इतना मिसयूज हुआ है हमारे स्कूल्स में कि हम उसका असली मतलब समझ ही नहीं पाए। लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन एक बहुत ही अलग चीज है इन सब चीजों से अलग, और अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो वो मोटिवेटेड रहने से बहुत लाख गुना बेटर है। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब ये है कि अगर आपका मन है या नहीं, आपकी हिम्मत है या नहीं, आप में एनर्जी है या आप टायर्ड हो, फिर भी आप वो काम को करोगे जो आपसे एक्सपेक्टेड है। इसीलिए क्योंकि आज या कुछ टाइम के बाद आपको उससे बहुत अच्छा कोई रिजल्ट मिलने वाला है, इसलिए मोटिवेटेड हो। इसीलिए नहीं कि आज बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो, 2 दिन जम के पढ़ाई कर ली, जम के तैयारी कर ली, फिर 4 दिन के बाद फिर वहीं पहुंच गए, फिर एक धक्का चाहिए, फिर एक YouTube वीडियो खोलेगा मोटिवेशन का, फिर धक्का चलेगा, फिर थोड़े टाइम पढ़ोगे, ऐसे कब तक धक्का मार मार के गाड़ी चलाओगे? एग्जाम मान लो निकाल भी लिया 6 महीने 1 साल में, मोटिवेट हो गए, जिंदगी ऐसे नहीं चल पाएगी। कल को आपकी शादी होगी अगर, और आप बोलो कि यार क्या एक ही इंसान के साथ लाइफ भर रहना है, मैं मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा हूँ, उसी इंसान से बात करनी, उसी के साथ साल भर और रहना है और पूरे जन्म भर रहना है, तो मैं मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा हूँ, तो चलेगी क्या जिंदगी आपकी ठीक तरीके से? नहीं चल पाएगी ना। किसी को आप देखो जो अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, जो धीरे धीरे आप भी उस तरफ हो गए, उस तरफ अभी आप कंपैरेटिवली यंग हो, हम सभी कंपैरेटिवली यंग हैं, तो इस तरफ हमारा ध्यान नहीं है, बट कुछ साल बाद जब आपको हेल्थ की तरफ ध्यान जाएगा तो फिर से आपको सेल्फ डिसिप्लिन ही बचाएगा, मोटिवेशन नहीं बचाएगा। आप देखते हो कि बहुत सारे लोग जो फिट हैं वो कितने डिसिप्लिन्ड है, क्या खाना है, कब सोना है, डेली इस टाइम पे उठ के एक्सरसाइज करनी है, वो उस चीज़ के लिए कितने डिसिप्लिन्ड है। और उससे अगर आप अपने 1-1.5 साल की पढ़ाई
जो आपको करनी है मोटिवेटेड रह के उसके कंपेयर करोगे तो कुछ भी नहीं है वो। सालों तक आपको डिसिप्लिन रहना है, आप क्या खाओगे और कैसे रहोगे उसमें, अभी आप रियलाइज नहीं कर रहे हो, आप कुछ टाइम के बाद रियलाइज करोगे इस चीज को। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मोटिवेटेड रहना और हमेशा ये फील करना कि मैं मोटिवेटेड रहूं, ये बहुत सही चीज नहीं है, ये बहुत खराब आदत है। आप कोशिश करो कि डिसिप्लिन रहो, आप रेगुलर रहो तैयारी में। ये मत करो कि जम के पढ़ाई कर ली दो दिन, फिर जम के सो गए तीन दिन, फिर उठे फिर पढ़ाई कर ली, ये एक बहुत सही स्ट्रेटजी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम नहीं कर सकती, 6 महीने 1 साल शायद काम भी कर सकती है ये तरीका, बट ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीका नहीं है। तो ये जो सवाल है कि कैसे डिसिप्लिन रहा जाए और कैसे, सॉरी, ये जो सवाल है कि खुद को कैसे मोटिवेटेड रखूं, ये सवाल जो मेरे से पूछते हैं बहुत से लोग, अगर वो कभी कभी 2-4 महीने में एक बार मोटिवेशन की कमी फील करते हैं, देन इट इज ऑल राइट। जो वेज नॉर्मल तरीके हैं कि मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ो, आपको एंड रिजल्ट के बारे में सोचो, ये सब जनरल तरीके हैं मोटिवेटेड रहने के, इनको आप फॉलो कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि हर महीने ही आपको, हर हफ्ते ही आपको मोटिवेशन चाहिए, तब आपको बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि आपकी हैबिट्स को आपको ठीक करना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा ऊपर है मोटिवेशन से। अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूँ, जब मैं गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मैं इतना डिसिप्लिन्ड था कि जो भी मेरे को टारगेट है आज के लिए पढ़ने का वो पूरा करना ही है, चाहे बीच में कोई अचानक से इम्पोर्टेंट काम आ गया कॉलेज का या फ्रेंड्स का जिसके लिए बाई चांस जाना पड़ा बाहर, तो मैं ये मेक श्योर करता था कि मैं ऑटो में पढ़ रहा हूँ, जब मैं ऑटो रिक्शा में जा रहा हूँ तो उस टाइम मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेक श्योर मैं करता था। कम सो के ये मेक श्योर करता था कि जो टारगेट है उसको अचीव किया गया उस दिन। ये मोटिवेशन से नहीं हो सकता, मोटिवेशन से आपको क्या लगेगा, सामने आपको दिखेगा एक तरफ बिस्तर थक के आए हो, एक तरफ दिखेगी बुक्स, अब तुरंत तो आप YouTube खोल के मोटिवेशनल वीडियो देखने नहीं लगोगे, आप सोचोगे यार 2-3 घंटा सोता हूँ फिर पढ़ूंगा। अब 2-3 घंटा सोने जाओगे तो कितने घंटे बाद उठोगे सबको पता है, तो मोटिवेशन आपको बहुत ज्यादा बचाएगा नहीं आपकी डेली के गलतियों से। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा काम की चीज है, चाहे आपको एग्जाम क्रैक करना हो, चाहे आपको एग्जाम के बाद भी जो आप समझोगे जब एग्जाम दे दोगे आज से 5 साल बाद, तब आप एक बड़े पर्सपेक्टिव में लाइफ को देखोगे, तब आप समझोगे कि कुछ भी नहीं था एग्जाम निकाल के क्रैक करना, असली चैलेंजेस तो अब आए हैं लाइफ में, और उन सभी चैलेंजेस से इंक्लूडिंग द एग्जाम सेल्फ डिसिप्लिन आपको निकाल के ले जाएगा। मोटिवेशन की गाड़ी धक्का मार मार के बहुत ज्यादा टाइम तक चलने नहीं वाली है। तो यही मेरी आपको एडवाइस है इस वीडियो में कि आप सही से जो मैंने कहा उसको सोचें समझें और हो सके तो उसको इम्प्लीमेंट करें। ऑल द बेस्ट।